पहले तो आपको करवा चौथ की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप लोग खूब अच्छे से एंजॉय करके करवा चौथ को मनाइए। तो हम एक दिन पहले मना रहे हैं सरगे के लिए मीठी और फीकी मटरी। ये देखिए, ये फीकी वाली मटरी है, इसको कैसे बनाते हैं, और ये है पकी हुई चाशनी से मीठी वाली मटरी। तो हम फटाफट चलते हैं हिमा की रसोई में और बनाते हैं जल्दी से सरगे के लिए मटरियां। तो सबसे पहले मटरी बनाने के लिए मैं लूंगी चाशनी। तो चाशनी के लिए मैंने पैन चढ़ा दिया है और मैंने ये लिए पूरी 500 ग्राम शक्कर, है ना, 500 ग्राम मैंने शक्कर लिए। और इसका एक मेजरमेंट है, 500 ग्राम शक्कर के लिए लिया है मैंने 100 ग्राम पानी, बस ज्यादा पानी नहीं, क्योंकि हमको पाकना है ना, इसलिए इसमें सिर्फ 100 ग्राम पानी। तो जब तक हमारी चाशनी बन रही है तब तक हम अपनी मटरी को मारने की तैयारी कर लेते हैं। और चाशनी के लिए लिया मैंने आधा नींबू और थोड़ी सी इलायची पाउडर। अब आप सोच रहे होंगे मैंने नींबू क्यों लिया है। नींबू मैंने इसलिए लिया है कि चाशनी जो हम बनाते हैं ना, तो चाशनी हमारी जम जाती है अक्सर, है ना, तो वो जब ना जमे हमारी मटरी पे तो थोड़े सा हम नींबू डाल देंगे, तो जिससे कि हमारी चाशनी जो है वो जमेगी नहीं। तो चाशनी को हम बनने देते हैं और हम लेते हैं, ये बनाते हैं हम मटरी के लिए, है ना। तो इसके लिए जो मेजरमेंट है वो आधा किलो मैदा लिए है। आधा किलो मैदे में करीब 200 ग्राम घी डालेगा, घी का मोन इसमें सबसे बेस्ट होता है ना। तो मैंने आधा किलो मैदा लिया है, आधा किलो मैदे में मुझे 200 ग्राम घी सिर्फ मोन के लिए लगेगा, है ना। तो हम इसमें घी डालेंगे, आप चाहें तो तेल डाल सकते हैं, बट घी का मोन इसमें बहुत ही बढ़िया रहता है ना। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे कि हमारी मुट्ठियां जो है वो अच्छे से बनने लगे। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ इसका मोन कितना बढ़िया रहता है। ये फीकी मटरी और मीठी मटरी में नमक नहीं डलता है, इसलिए मैं इस तरह से गूंदूंगी, लेकिन दो बार में कर लेंगे इसको हम, है ना। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा मोन है, ये देखिए कितना बढ़िया है, दिख रहा है आपको मोन, काफी अच्छा मोन है। मुझे ऐसा लग रहा है मोन थोड़ा ज्यादा हो गया, इसलिए मैं मैदा इसमें और मिला लेती हूँ। ये देखिए मोन, देखिए आप हमारा कितना अच्छा दिख रहा है, एकदम लड्डू बहुत ज्यादा अच्छे से बनना चाहिए। और मैंने ये लिया कुनकुना पानी, है ना, तो हम इसको क्योंकि घी का मोन लगाया ना, तो हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के कुनकुने पानी से इसको अच्छे से गूंद लेंगे। देखिए ये देखिए हमारा मटरी के लिए आटा एकदम गूंद गया है, इसको हम थोड़ा सा रेस्ट के लिए रख देते हैं। जब तक ये रेस्ट करेगा तब तक मैं हाथ क्लीन करके आती हूँ। चाशनी भी बिल्कुल बन गई है, है ना, अभी देखती हूँ मैं। देखिए एक तार की चाशनी आराम से बन गई, दिख रही होगी आपको, देखो अपने आप तार आ रहा है। इसमें डाल दूंगी मैं नींबू का रस, आधा नींबू का रस, जिससे कि ये ज्यादा जमेगी नहीं। और इसी में डाल दूंगी मैं इलायची का पाउडर, मैंने 4-5 इलायची का पाउडर लिया है, ये मैंने डाल दिया है। और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो हम इसमें एक बाउल में भी इसको डाल के देख सकते हैं। देखिए मैंने बाउल लिया, इसमें इसको डाला, तो हम इसको देखेंगे ये जम रही है कि नहीं जम रही है ना, और हाथ लगा के ऐसे करेंगे। देखिए थोड़ी सी कसर अभी बाकी है, मैं थोड़ा सा और कर लेती हूँ इसको। चाशनी हमारी रेडी है, और चाशनी बहुत गर्म में हम इसको नहीं पाकेंगे, है ना, तो हम चाशनी को एक साइड रख देते हैं और गैस पे चढ़ाते हैं हम ऑयल, जिससे कि हम अपनी मटरी की तैयारी करें। तो मैंने इसको चढ़ा दिया है और हमारा आटे ने रेस्ट भी कर लिया है, तो हम इसको अच्छे से गूंद लेंगे हाथों से और इसकी लोइयां बना के रखती हूँ। ये देखिए मैंने इसकी 14 लोई बना ली है, क्योंकि 7 बनती है मीठी और 7 बनती है फीकी, है ना, तो मैंने ये 14 लोई बना लिए है। 14 लोई के लिए 1.5 किलो मैदा काफी है ना। ये देखिए ये बना लिया है, अब मैं क्या करूंगी इसको बेलूंगी, है ना, इसको हम अच्छी गोल बेलेंगे, थोड़ी मोटी सी बेलेगी है। ये देखिए थोड़ी बड़ी बनाएंगे हम और ये थोड़ी मोटी सी रहेगी, दिख रही है आपको। अब हम क्या करेंगे, फॉक की सहायता से इसको दोनों साइड से ऐसे ऐसे कर लेंगे, नहीं तो क्या होगा कि हमारी ये फूल जाएगी, और जब फूल जाएगी मटरी तो ये सरगे के लिए ठीक नहीं रहती, है ना। ये देखिए इसको अच्छे से कांटे की सहायता से हम इसमें ऐसे डिजाइन बना लेंगे। देखिए ये हम इसको दोनों साइड से बनाएंगे, ये देखिए। इसी तरह हम अपनी सारी मटरियों को बेल लेते हैं जब तक कि हमारा घी गर्म हो रहा है। ये देखिए हम इसको इस तरह से सारी मटरियों को अपने ऐसे बना लेते हैं, और थोड़ा सा मैं मैदे का डो डाल के देखती हूँ कि हमारा घी गर्म हुआ कि नहीं हुआ। ये थोड़ी सी मोटी रहती है और थोड़ी बड़ी बनती है ना, और इसको हम सेकेंगे बिल्कुल सिम पे, नहीं तो ये अंदर से कच्ची हो जाएगी, क्योंकि ये काफ़ी मोटी है। देखिए कितनी मोटी आपको दिख रहा होगा, क्योंकि ये बहुत मोटी है ना, तो इसको हम थोड़ा सिम पे सेकेंगे और इसको अच्छे से करेंगे फॉक से। ये देखिए दोनों साइड से हम अच्छे से करेंगे, ये अच्छे से कर लिया हमने, और हम थोड़ा सा डो डाल के देखेंगे हमारा घी गर्म हुआ कि नहीं हुआ। ये देखिए घी अच्छे से गर्म हो गया है, तो हम इसको धीरे से डाल देंगे। और एक मटरी को सेकने में हमें करीब 8 से 10 मिनट लगेगा, क्योंकि इसको बहुत धीमे पे हमको सेकना पड़ेगा। ये देखिए हमारी अच्छे से सिक गई है, दोनों साइड से अच्छे से ब्राउन हो गई है। थोड़ा सा सिकने में हमें टाइम लगता है,
तो हम इसको दो दो कलछुली की सहायता से इसको अच्छे से निकाल लेंगे। देखिए ये देखिए मटरी अच्छे से सिक गई है। इसको मैं आप जाली में रख दूंगी जिससे कि इसका एक्स्ट्रा जो ऑयल होगा ना वो भी अच्छे से निकल जाएगा। ये देखिए थोड़ी बड़ी बड़ी रहती ना, थोड़ा सिकने में टाइम लगता है। ये देखिए ये भी सिक गई है। इसी तरह हम अपनी सारी मटरियों को सेक लेंगे और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसको हम कैसे चाशनी में डालेंगे। करते हैं फटाफट अपनी चाशनी में डालने की तैयारी। देखिए कितनी बढ़िया सिकी सिकी है ना, एकदम बहुत ही बढ़िया सी। इसका एक्स्ट्रा ऑयल भी निकल जाएगा क्योंकि मैंने इसके अंदर रख दिया था। चाशनी एकदम परफेक्ट है, आपको दिख रही होगी। देखिए कितनी अच्छी और कितनी बढ़िया है। अब हम क्या करेंगे, एक अपनी पूड़ी लेंगे। देखिए ये लिया मैंने, इसको अच्छे से डिप कर देंगे। देखिए क्योंकि ये बहुत गर्म है अभी 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 बनाई है ना, और चाशनी थोड़ी सी ठंडी करके ही आप इसको पागी। ये देखिए ये देखिए इसी तरह हम अपनी सारी सारी इसको पाग लेंगे। देखिए ये देखिए अच्छे से इसको फिर से डिप करेंगे। ये दूसरी डाल दी मैंने आपको, ये देखिए, और इसको हम ऐसे प्लेट उसमें लगा लेते हैं। अरे हमारी सरगी की तैयारी, करवा चौथ की पूरी तैयारी हो गई है, इसीलिए मैंने दो दिन पहले बनाया कि आप लोग भी इसी तरह से ये देखिए मीठी मटरी कितनी टेस्टी और कितनी यम्मी दिख रही है। आपको भी दिख रहा होगा कि बहुत ही बढ़िया सी लग रही है। तो ये हमारी तैयार हो गई मीठी वाली मटरी, और ये देखिए हमारी तैयार हो गई है फीकी वाली, क्योंकि ये मीठी और फीकी दोनों बनती है। देखिए कितनी कुरकुरी और कितनी क्रिस्पी बनी है, बनिए ना। तो आप इस रेसिपी से बनाइए, करवा चौथ मनाइए, अच्छे से एंजॉय कीजिए। कल हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, लेकिन इसके पहले हेमा की रसोई को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। हैप्पी करवा चौथ।